जी वेलकम बैक। इस वक्त दमयाल थंडर के बैट्समैन मौजूद हैं, मेरे साथ उस्मान होंगे और लेफ्ट साइड के ऊपर फैसल, और इन्होंने 129 रन का टारगेट चेस करना है। फैसल ने एक नंबर की शर्ट पहनी हुई है और उस्मान ने चार नंबर की शर्ट पहनी हुई है, और इस वक्त आज के सेकंड मैच को सुपरवाइज कर रहे हैं इस वक्त मीर बिलाल, और उनका साथ देंगे उस्मान आकेब। जॉइंट सलार ने मुकर्रा 18 ओवर्स के अंदर 129 रन का टारगेट दिया है। अब देखना ये होगा कि जॉइंट सलार अपने इस 129 रन को डिफेंड कर पाएंगे कि नहीं, ये क्वेश्चन मार्क है। ये आपको डेढ़ घंटे के बाद, बिल्कुल बिल्कुल ऑफ कोर्स जब तक उस्मान क्रीज के ऊपर मौजूद होंगे। उस्मान इज द डेंजरस मैन टुडे मैच। मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूं, इस वक्त मरगदार क्रिकेट ग्राउंड के अंदर हम मौजूद हैं और यहाँ स्पार्टन प्रीमियर लीग सीज़न 1 का ये 8वां मैच लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है प्राइम स्पोर्ट्स टीवी के ऊपर। और जॉइंट सलार ने आज पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रा 18 ओवर्स के अंदर 6 खिलाड़ी को नुकसान के ऊपर 129 रन बनाए। अब दमयाल थंडर के बैट्समैन उस्मान और उनका साथ देंगे फैसल। लेफ्ट हैंड बैटिंग करते हैं उस्मान, और बॉलर्स के लिए आएंगे कीपर, बॉलर शहजाद इस वक्त अटैकिंग बॉलिंग करेंगे जॉइंट सलार्स की जानिब से, और सामना करेंगे उस्मान। एक कांटेदार मुकाबला होने की तवक्को होगी दोनों टीम के दरमियान, जॉइंट सलार्स और दमयाल थंडर के दरमियान। इस वक्त 129 रन चेस कर रहे हैं इन्होंने, और 18 ओवर्स के अंदर अब देखना ये होगा कि इस वक्त कौन किसका पलड़ा भारी होता है। उस्मान सामना करेंगे शहजाद का, राइट आर्म फास्ट बॉल अराउंड द विकेट करेंगे बॉल। उस्मान सामना करेंगे शहजाद का। वेलकम करता हूं अपने पेज के ऊपर तमाम मेम्बरान्स को, इस वक्त मरगदार क्रिकेट ग्राउंड के अंदर मौजूद हैं, इसका स्टेट अंपायरिंग के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं उस्मान आकेब, और स्केल लेग के ऊपर जो अंपायर हैं वो मीर बिलाल मौजूद हैं। अंदर की तरफ थोड़ा सा बाल आया, जोरदार अपील करना चाहते थे और मार दियो, बहुत बड़ा रन आउट हो सकता था अगर ये डायरेक्ट हिट लगती साकिब की, तो ये खा जा सकता था कि उस्मान की इनिंग्स का खात्मा हो सकता है। अच्छा रन बिटवीन द विकेट, अंपायर का इशारा बैट का रन चाहिए, और बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट थी, बड़ा डेंजरस भी साबित हो सकता था दोनों बैट्समैनों के लिए। अब स्कोर जो है वो दमयाल थंडर का पहले रन का आगाज हो चुका हुआ है, और इस वक्त शहजाद का सामना करेंगे फैसल। दमयाल थंडर के सेकंड ओपनर जो नॉन स्ट्राइक रन पे मौजूद थे, उन्होंने रन लेने के बाद सामना किया, एक नंबर की शर्ट पहनी हुई उन्होंने, और ओवर द विकेट राउंड द विकेट बॉल करेंगे शहजाद फैसल को। अब देखना ये होगा कि फैसल इस वक्त डिफेंसिंग सामने पोजीशन पे खड़े हुए हैं, सामना करेंगे शहजाद का। शहजाद आए, अंपायर को क्रॉस किया, बहुत अच्छा स्कूपी शॉट खेल दिया गया, फील्डर मौजूद थे और उन्होंने इस बात को फिर फील्ड किया, और माय गुडनेस बॉल बचते बचे कैमरास को लगने के लिए तकरीबन बाल बाल बचा, और मेरे रब ने मुझे एक बार फिर बचाया। एक अच्छा थ्रो जो मेरे लिए गलत साबित हो सकता था। शहजाद सामना करेंगे उस्मान, उस्मान लेफ्ट हैंड बैटिंग करते हैं, लेफ्ट हैंड राइट कॉम्बिनेशन बड़ा मुश्किल होगा बॉलर्स के लिए। इस वक्त बॉलिंग हैंड पे मौजूद हैं शहजाद, सामना करेंगे उस्मान। आए अंपायर को क्रॉस किया, अंदर की तरफ हेज लेते हुए अंपायर की जानब चार रन का इजाफा होगा गालबन, और वही बात हुई, अंपायर का इशारा चार रन, इस तरह स्कोर बढ़ता हुआ एक बार फिर अच्छा साबित हो सकता है टीम्स के लिए।
वक्त दमयाल थंडर का 6 स्कोर हो चुके हैं। पहले ओवर का खेल जारी है, शहजाद बॉलिंग के लिए सामना करेंगे उस्मान। शहजाद आया, बहुत जोरदार शॉट स्टेट की जानिब खेल दिया गया, फील्डर ने बॉल को फील्ड किया और मिसफील्ड होने के कारण में एक रन का इजाफा होगा। इस तरह स्कोर बढ़ता हुआ दमयाल थंडर का 1 रन हुएंगे। जिस वक्त मेरे साथ साहिल तनोली, शफकत जमान तनोली मेरे साथ मौजूद हैं और वो कमेंट्स में कह रहे हैं ग्रेट वर्क कवरेज, थैंक यू वेरी मच शफकत भाई, थैंक यू वेरी मच जी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ पेज को शेयर करें, लाइक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पेज के ऊपर आएँ और इसको इन्जॉय करें जी। शहजाद सामना करेंगे फैसल, स्कूपी शॉट खेलना चाहते थे, जोरदार अपील और इस नाम में अंपायर इंटरेस्टेड नहीं थे। और जी अस्सलाम वालेकुम, ये तो बहुत बड़ा वजन है, खालसा चंगा पला वजन है, नहीं तो ये है किसका सामान है। अच्छा और ये पेटी, ये पेटी किसकी है, पेटी किसकी है, ये मिक्सअप सामान करके लेके आए तो उनकी तो डिलीवर कैसे करनी है। वो खालसा वो 250 के जी लास्ट की किस्म करती किस्म 250 के जी इतना पलावजा होगा ये सब कुछ के दफ्तर में फोन कर रखती फिर अंदर। चलो तुझे रफा तो सही ना बार कराओ जी, चलो मैं इंतजार है नाल दो जने बंदे पकड़ लसा अंदर लाए अंदर काम लसा। सुबह तो चलो वो बात की बात है, सुबह लते हैं शाम, मैं अब आज के यहाँ से फोन करता हूँ ना, मैं करता हूँ ठीक है। बहुत अच्छा बॉल जो थोड़ा पड़ने के बाद बाहर निकला और अंपायर का इशारा, वाइड बॉल, अच्छा बॉल था यकीनी। हेलो हाँ पप्पू, मैं आवाज नंबर मैसेज कर दिया और जल्दी जा, सुलेमान सेकंड ओवर कंटिन्यू रखेंगे, शालीमार हैंड से और सामना करेंगे उस्मान। सुलेमान आए, अंपायर को क्रॉस किया, थोड़ा सा आउट ऑफ स्टंप बॉल था और अंपायर का इशारा वाइड बॉल। इस नाम में एक और रन का इजाफा हो गया इस ओवर के अंदर, 2 कंसेक्यूटिव बॉल्स को उन्होंने वाइड किया और अच्छा लाइन लेंथ थोड़ी सी जो है ना वो लाइन थोड़ी सी इनकी अंदर होनी चाहिए तो बड़े अच्छे बॉल करेंगे डेफिनेटली, और लाइन लेंथ को कंट्रोल करना होगा सुलेमान को इस वक्त, क्योंकि अगर मैच को विन करना है तो ये एक्स्ट्रा से बचना होगा इनको।
जी वेलकम करता हूँ अपने पेज के ऊपर तमाम आने वाले नेम और दोस्त अब आपको, और ये मैं बताता चलूँ आपको, ये दमयाल थंडर वर्सेस जायंट सेलर का ये मैच मरगजार क्रिकेट ग्राउंड के अंदर से लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। इस वक्त जायंट सेलर ने पहले बैटिंग करते हुए 129 रन का टारगेट दिया है दमयाल थंडर को। इस वक्त दमयाल थंडर के दोनों ओपनर बैट्समैन इस वक्त सामना कर रहे हैं जायंट सेलर के बॉलर का। ये दूसरे ओवर का खेल जारी है इस वक्त। जी सलमान आए, अंपायर को क्रॉस किया, वो निकला जोरदार, निकली सीधी कीपर के ग्लास में और इस तरह बहुत डेंजरस विकेट आउट करने में कामयाब हुए सलमान। और मैंने आपको उसी तरह कहा था कि अगर ये लाइन लेंथ के साथ बॉलिंग करेंगे तो डेंजर साबित हो सकते हैं उस्मान के लिए, वैसे ही हुआ। इस वक्त उन्होंने बड़ी लाइन लेंथ के साथ बॉल फेंका और बल्ले का बहरूनी किनारा लेते हुए सीधी एज निकला और कॉट बिहाइंड। कीपर ने बड़ा अच्छा बगैर किसी गलती किए हुए बॉल को कैप किया और इस सिलसिले में उस्मान की कीमती विकेट को हासिल किया। मुझे नहीं मालूम यार, अभी बिल्कुल मैं इसके बाद पता करता हूँ। मुझे बीच में एक दो कॉल आ गई थी, मतलब हमें 7 या 8 तो है, 7 या 8 होगा मेरे ख्याल से। अच्छा बॉल अंदर की तरफ आया, एज हुआ और इस वक्त बहुत अच्छी लाइन रन के साथ बॉलिंग कर रहे हैं सलमान, बड़ा क्विक बॉल कर रहे हैं और अंदर की तरफ थोड़ा सा आया। अच्छा बॉल डेफिनेटली सलमान का जो थोड़ा सा अंदर की तरफ आया और एज लगा और बड़े मुताद तरीके के साथ बॉलर्स को खेलना चाह रहे थे बैट्समैन। आने वाले नए बैट्समैन इस वक्त इलियास हैं। आई अंपायर को क्रॉस किया, लेफ्ट आर्म की तरफ बॉल था गालबन और अंपायर का इशारा वाइड बॉल और एक रन का इजाफा हुआ। दूसरे ओवर का खेल जारी है एक खिलाड़ी के नुकसान के ऊपर। जी सलमान सामना करेंगे रियास। अच्छा बॉल अंदर की तरफ आया, बड़े डिफेंसिव पोजीशन के साथ फील्डर की जानिब खेल दिया गया, फील्डर वहां मौजूद थे और इस नाम में किसी रन का इजाफा नहीं। वो बड़ी थ्रिलिंग बॉलिंग कर रहे हैं सलमान इस वक्त और बड़े डिफेंसिव पोजीशन के साथ रियास ने फील्डर की जानिब खेला और इस नाम में किसी रन का इजाफा नहीं हुआ। रियाज ओके, मैं करेक्शन करता चलूं कि रियाज नहीं है, इनका नाम रियाज नाम है और बड़ी डिफेंसिव पोजीशन पे खेलते हैं इस वक्त और बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा करेंगे दमयाल थंडर के लिए। सलमान सेकंड ओवर करेंगे अपना जायंट सेलर की जानब से सामने। रियाज बड़ा अच्छा बैकफुट के ऊपर प्लेस कर दिया, फील्डर मौजूद थे मिड ऑन की जानब और उन्होंने बॉल को फील्ड किया और इस नाम में एक रन का इजाफा हुआ। एक अच्छा डिफेंसिव स्ट्रोक था रियाज का। जी इस वक्त सामना करेंगे फैसल सलमान का। सलमान अपनी इसका सेकंड ओवर कर रहे हैं और अपना फर्स्ट ओवर कर रहे हैं वो।
फैसल सामना करेंगे सलमान का। जोरदार शॉट खेलना चाहते थे, मिड ऑफ के ऊपर फील्डर मौजूद थे और इस में किसी रन का इजाफा नहीं हुआ। फैसल सामना करेंगे सलमान का। सलमान आए, अंपायर को क्रॉस किया। ओ, बहुत लंबा स्विंग हुआ जो सेकंड थर्ड स्लिप की जानिब से गुजरता हुआ सीधा बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गया और इस सिस्टम में वाइड के चार रन, मजीद पांच रन इस बॉल के ऊपर हासिल होंगे दमयाल थंडर को। उनका एक चल ना उठा नहीं यार फोन। इस ओवर के अंदर विकेट लेने में तो कामयाब हुए बट उन्होंने एहसास के बहुत स्कोर कर दिए हैं जो इस वक्त जान सलार के पता नहीं कर सके कि अच्छा स्कोर को दमयाल थंडर के साथ सामना करेंगे सलमान का। सलमान आए, अच्छा बॉल अंदर की तरफ आया, उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से दूसरे लेग की जाने प्रेस कर दिया गया दो रन के लिए गारबर और बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट रियाज की और फैसल की। इस हिसाब में दो रन का इजाफा हुआ। और शहजाद कंटिन्यू रखेंगे अपने सेकेंड ओवर को सैदपुर हंड से और सामना करेंगे इस वक्त जी। इस वक्त शहजाद आए, एम्पायर को क्रॉस किया, अच्छा शॉट बैकफुट के ऊपर फ्रंट फुट के ऊपर खेल दिया गया, मिड ऑन की जाने फील्डर मौजूद है, इस सिस्टम में किसी रन का इजाफा नहीं हुआ। रियाज बहुत अच्छी हाई बैक लेफ्ट बैट्समैन है, स्टाइलिश बैट्समैन है वो। अब देखना ये होगा कि अपनी टीम के लिए कितने इफेक्टिव होते हैं अगर वो आज एक अच्छी इनिंग्स खेलने में कामयाब होते हैं। शहजाद आए, एम्पायर को क्रॉस किया, अच्छा बॉल लाइन रन के साथ शहजाद बॉलिंग कर रहे हैं, बड़ी अच्छी लाइन लाइन के साथ बॉलिंग करें, बड़ी डिफेंसिव पोजीशन के साथ रियाज ने वापस फील्ड की जाने हुए जो शॉट मिड विकेट के ऊपर मौजूद थे उनकी तरफ प्लेस कर दिया और इस हिसाब में किसी रन का इजाफा नहीं हुआ। तीसरे ओवर का खेल इस वक्त जारी है और एक खिलाड़ी के नुकसान के ऊपर दमयाल थंडर के बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं। रियाज सामना करेंगे शहजाद का। शहजाद आए, अंपायर को क्रॉस किया, आगे की तरफ बाल था जिसका भरपूर फायदा उठाया और उन्होंने मिड ऑन लॉन्ग ऑन की जानिब प्लेस कर दिया गया। अंपायर का इशारा देखना होगा, अंपायर का इशारा चार रन के लिए, बहुत अच्छा शॉट था। क्रिकेट में ये बड़ा लविंग शॉट होता है, स्ट्रेट पे ड्राइव करना, लॉफ्टेड खेलना, डेफिनेटली बहुत अच्छा प्लेस किया था रियाज ने। इनका हाई बैक लेफ्ट हाई बैक लेफ्ट बैट्समैन की यही क्वालिटी होती है कि जब वो स्ट्रेट पे कवर ड्राइव एक्स्ट्रा कवर के ऊपर खेलते हैं तो डेफिनेटली वो आउट क्लास शॉट होता है, जैसे कि अभी आपने देखा होगा। मामा
अगर बल्ले ना बड़ा छक्का हो जाएगा के साथ उन्होंने रियाज की विकेट हासिल करने में कामयाब हुए शहजाद जी। खाल साहब मैंने उसके साथ बात कर ली है, आप उसको कॉल भी कर लेंगे बात ठीक है ना। मैंने उसके साथ उसके वो टाइम सब के साथ टाइम भी के साथ बात कर ली है। मैंने कहा बड़ा चिंतित मान है, मेहरबानी होगी आप रखो मैं घंटे घंटे की कल आता हूं मैं आपसे कॉल लेंगे। तो आप अच्छा कहते मैं चल रहा हूं। मैंने यार देख ली बारिश में मूवी बना हुआ है ये ना हो के ऐसी जगह पर रखे तो हमारा नुकसान ना हो जाए। मैं कभी खाल साहब आपको कॉल भी करता हूं किसी की कॉल भी कर लेता हूं ये बात है। कहने के मैं 4 का नंबर देवाने 4 का नंबर दूं मैं 4 का भी आपको कर देता हूं मैं। अच्छा वो जो लेबर आई कौन है लेबर नहीं है साथ गाड़ी के तो वो फॉलेगा कोई टेंशन नहीं। आप छोटी सी जरा आप अपने तौर पे कॉल करेंगे ना तो आपको थोड़ा सा रिगार्ड कर देगा। मेरा तो अभाव ही गाल कर सकता पर करेगा नहीं इंशाल्लाह। मैंने तैयार भाई को कॉल किया है तो कहते हैं इंशाल्लाह रखवा देगा बस कोई टेंशन नहीं है। आप ओके ओके ओके। इस वक्त शहजाद इंपॉर्टेंट विकेट हासिल करने में रियाज की कामयाब हुए और स्लो बॉल फेंका था उन्होंने और वो इनसाइड है जो कि सीधी स्टंप्स को लगी और इस सिलसिला में वो बॉल करार दिए गए और दूसरी खिलाड़ी का नुकसान रियाज की सूरत में उठाना पड़ा दमियाल थंडर को। इस वक्त आने वाले नए बैट्समैन अदनान है, मेरे हाल में कैप्टन है दमियाल थंडर के। ये शहजाद का सामना करेंगे अदनान। एम्पायर को क्रॉस किया और आगे की तरफ बॉल था उसको डिफेंसिव पोजीशन के साथ वापस बॉलर की जानब खेल दिया गया और इस सिलसिले में किसी रन का इजाफा नहीं हुआ। 3 ओवर के अख्तितम के ऊपर 2 खिलाड़ी को नुकसान के ऊपर जी साकिब भाई आप मुझे थोड़ा सा गाइड करेंगे। इस वक्त टोटल रन कितने हैं 3 ओवर के अख्तितम के ऊपर जी? इस वक्त मुझे अपडेट कर रहे हैं साकिब स्कोर के लिए जी। बिल्कुल जी इस वक्त 3 ओवर के अख्तितम के ऊपर 24 रन हो चुके हैं 2 खिलाड़ी के नुकसान के ऊपर दरमियान थंडर के बैट्समैन फैसल और अदनान क्रीज के ऊपर मौजूद हैं और हम एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम आपको वापस ज्वाइन करेंगे नमाज प्रेयर के।
शाबाश शाबाश। Excellent bowling, boy, excellent. शाबाश, चेक करना है, अभी चेक करना है, हेलमेट पे शाबाश। शाबाश यार, शाबाश शाबाश। कम ऑन बॉयज यार, हेलमेट में, हेलमेट में शाबाश, आगे नहीं शाबाश, हेलमेट में, हेलमेट, हेलमेट में, हेलमेट में शाबाश। एक्सीलेंट बॉलिंग, ये बॉलिंग ठीक है, शाबाश। शाबाश शिदात भाई, देखा जाएगा ना,
शहजाद भाई। ये तीसरा विकेट आउट हुआ है ना, तीसरा जी। इस वक्त जायंट्स लार के बॉलर्स 3 विकेट हासिल करने में कामयाब हुए हैं और आने वाले नए बैट्समैन इस वक्त आबिद हैं जो क्रीज पर मौजूद होंगे और साथ देंगे उनका फैसल। शहजाद ने बहुत अच्छा बॉल कर रहे हैं इस वक्त सैदपुर हंड से। आबिद सामना करेंगे शहजाद का। शहजाद आए, अंपायर को क्रॉस किया, थोड़ा सा शफल करके खेलना चाहते थे, स्केल के ऊपर इस असना में अंपायर का इशारा वाइड बॉल और 1 रन का इजाफा होगा यहाँ। बिल्कुल इस वक्त बड़ी अच्छी क्रिटिकल पोजीशन के साथ, बड़ी अच्छी पोजीशन में इस वक्त जायंट्स लार के बॉलर्स बॉलिंग कर रहे हैं और बड़ी डिफेंसिव पोजीशन में इस वक्त दमयाल थंडर के बैट्समैन खेल रहे हैं। एम्पायर को क्रॉस किया, बहुत अच्छा बैकफुट के ऊपर प्लेस कर दिया, फील्डर मौजूद थे और इस असना में किसी रन का इजाफा नहीं होगा। अच्छा कम बैक किया शहजाद ने, बहुत अच्छी बॉलिंग की, बहुत अच्छा ओवर किया इस ओवर में उन्होंने, 1 खिलाड़ी को आउट किया, बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट हासिल की। कितने ओवर, 4 ओवर, 6, 5 ओवर पांच ओवर में 35 स्कोर हैं और 3 खिलाड़ी आउट हैं इस वक्त दमयाल थंडर के। बड़ी अच्छी बॉलिंग, नफी तुली बॉलिंग कर रहे हैं इस वक्त और अपने सरवान अपने तीसरे ओवर को कंटिन्यू रखेंगे। बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं जायंट्स लार की जानिब से और सामना करेंगे फैसल। बड़ी थ्रिलिंग बॉलिंग कर रहे हैं सुलेमान, बड़े यंग टैलेंटेड बॉलर हैं, राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं। उन्होंने फाइन लेग को ऊपर किया है और यहाँ से मिड विकेट को उन्होंने बाहर किया है। ये पावर प्ले का लास्ट ओवर होगा, इसके बाद 7वें ओवर में जायंट्स लार के बॉलर्स को हक हासिल होगा कि वो अपनी फील्डिंग को वो खोल सकते हैं। और मैं जितने भी आने वाले मेरे दोस्त मौजूद अहबाब इस वक्त पेज के ऊपर मौजूद हैं, तमाम मौजूद अहबाब को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस पेज के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट मस्त करें ताकि आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। जी इस वक्त सलमान जारी रखेंगे अपने ओवर को, सामना करेंगे फैसल।
जोरदार शॉट खेलना चाहते थे, सीधी स्टंप को लगी और इस नाम में ये चौथी विकेट हासिल करने में सलमान कामयाब हुए। इस वक्त जो उन्होंने विकेट हासिल की वो फैसल थे जो ओपनर बैट्समैन आए थे और बहुत अच्छी बॉलिंग, बड़ी लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग की। उनको ये शॉट नहीं खेलना चाहिए था, बड़ा अच्छा बॉल था तो उसको अगर ये डिफेंसिंग पोजीशन के साथ खेलते तो ये कहा जा सकता था कि वो अपनी विकेट सेव करने में कामयाब होते। बड़ा अच्छा बॉल था सलमान का, वो विकेट हासिल करने में, सेकंड विकेट हासिल करने में कामयाब हुए। दो आउट किए हैं अभी तक शहजाद ने और दो ही सलमान ने आउट किए हैं और ये छठे ओवर का खेल जारी है इस वक्त। 35 स्कोर हो चुके हैं और ये बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा फैसल की सूरत में। नासिर आए, आने नहीं आने वाले बैट्समैन जो साथ देंगे आबिद का। इस वक्त बड़ी क्रिटिकल पोजीशंस के ऊपर दमयाल थंडर के बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं और बड़ी अच्छी थ्रिलिंग बॉलिंग की जा रही है इस वक्त जाहिर सलार की जानिब से। और जैसे कि एक्सपेक्टेशन की जा रही थी कि बड़े जान लगा के बॉल करते हैं सलमान, उसी तरह आज उन्होंने बड़ी जान से, बड़ी कुव्वत से और थ्रिलिंग की मूड में नज़र आ रहे हैं। और बड़ा अच्छा बॉल फेंका उन्होंने, सीधा स्टंप्स की जानिब था और मुकम्मल तौर पर बैट्समैन रिसीव हुए और वो बॉल और दो आउट किए उन्होंने सलमान ने, दो ही आउट किए शहजाद ने दोनों। जैसे कि आज के मैच की एक खासियत यही है कि फास्ट बॉलर ने बहुत कम ओवर किए हैं, जबकि आज इस इनिंग्स के अंदर ये देखा जा रहा है कि दोनों हैंड्स पे मुकम्मल तौर पर कंटिन्यूटी पर फास्ट बॉलर ही बॉलिंग कर रहे हैं। जी सलमान सामना करेंगे नासिर, आने वाले नए बैट्समैन हैं। सलमान आए, अंपायर को क्रॉस किया, आगे की तरफ पड़ा हुआ बॉल था, उसको बड़े अच्छे मुताद तरीके के साथ मिड ऑन की जानिब खेल दिया गया। फील्डर मौजूद थे शहजाद, उन्होंने बॉल को फील्ड किया, इस नाम में किसी रन का इजाफा नहीं हुआ। इस वक्त दमयाल थंडर का मजमू स्कोर 35 और ये छठे ओवर का खेल जारी है इस वक्त चार खिलाड़ी के नुकसान के ऊपर। बहुत अच्छी लाइन रन के साथ बात कर रहे हैं सलमान, इस वक्त जितनी तारीफ की जाए इनकी कम होगी। बहुत अच्छी नपी तुली बॉलिंग कर रहे हैं, बड़ी अच्छी गुड थ्रिलिंग के साथ बॉलिंग कर रहे हैं ये। आई एम्पायर को क्रॉस किया, फिर आगे की तरफ थोड़ा सा बॉल अंदर की तरफ आया, लेग बिफोर की अपील की, थोड़ा सा मिड विकेट बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं इस वक्त, बड़ी अंदर थोड़ा सा आया और पैड के ऊपर लगा जिसमें लेग बाय का इशारा था अंपायर का। जी आने वाले तमाम मौजूद अहबाब को मैं अपने पेज के ऊपर वेलकम करता हूं और उनसे मेरी गुजारिश है प्लीज़ इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको इजीली मिल सके। और इस वक्त मौजूद हूं मैं मरकज़ार क्रिकेट ग्राउंड के अंदर जहाँ दमयाल थंडर वर्सेस जॉइंट सलार के दरमियान ये सेकंड मैच खेला जा रहा है और जॉइंट सलार ने आज टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। उन्होंने मुकर्रर 18 ओवर्स के अंदर उन्होंने 129 रन बनाए 6 खिलाड़ी को नुकसान के ऊपर। आए आगे की तरफ पड़ा हुआ बाल था, मुताद तरीके के साथ आबिद ने मिड ऑन की जानिब खेल दिया, फील्डर वहाँ मौजूद थे और इस इसमें किसी रन का इजाफा नहीं हुआ। इस वक्त 35 रन के मजबूरी के स्कोर के ऊपर इस वक्त चार खिलाड़ी आउट हैं दमयाल थंडर के। जी सलमान आए अपने ओवर को, तीन ओवर का कंटिन्यू रखेंगे, आगे की तरफ पड़ा हुआ बॉल मरता डिफेंसिव पोजीशन के साथ बहुत अच्छे मुताद तरीके के साथ वापस आबिद ने बॉल की जानब खेल दिया गया, इस नामे किसी रन का इजाफा नहीं होगा। बड़ी अच्छी थ्रिलिंग बॉलिंग कर रहे हैं सलमान, यंग टैलेंटेड बॉलर हैं। मैं आपको बताता चलूँ ये जॉइंट सलार और दमयाल थंडर के दरमियान ये सेकंड मैच खेला जा रहा है मरकज़ार क्रिकेट ग्राउंड के अंदर से, ये आपको लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। इस वक्त सामना करेंगे आबिद का, सलमान आए अंपायर को क्रॉस किया, आगे की तरफ पड़ा हुआ बॉल था मुताद तरीके के साथ, बहुत अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा किया जिसकी जितनी अप्रिसिएशन की जाए। ये हमारे भाई जिन्होंने 17 नंबर की शर्ट पहनी हुई है और अल्लाह इनको सेहत भी दे, तंदुरुस्ती भी अता करे, एक हाथ से ये माजूर भी हैं
और इनका जज्बा देखकर आज मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है कि ये जितने भी इस वक्त खिलाड़ी ग्राउंड के अंदर मौजूद हैं और ये तमाम लोग इसको दाद भी दे रहे हैं कि ये एक वन हैंड के साथ इस वक्त ग्राउंड के अंदर क्रिकेट भी खेल रहे हैं, कितना इनका शौक का जज्बा बहुत ज़्यादा, जितनी तारीफ की जाए कम है इनकी। शहजाद इस वक्त अपने ओवर को चेंज किया और साकिब को लाया गया है। जी बिल्कुल, इस वक्त दासर का सामना करेंगे शहजाद। शहजाद कंटिन्यू रखेंगे अपने ओवर को, चौथे ओवर को। आगे की तरफ पड़ा बॉल था, बल्कि डिफेंसिव पोजीशन के साथ वापस बॉलर की जानिब ने खेल दिया नासिर ने बड़े अच्छे मुहतात अंदाज के साथ, ताकि किसी बड़े नुकसान से बचा जा सके। एक अच्छे बैट्समैन की यही निशानी होती है कि ऊपर नीचे अगर विकेट्स ड्रॉप होती हैं तो उनको मुकम्मल तौर पर देखभाल के शॉट खेलने होंगे। शहजाद ये चौथा ओवर करेंगे अपनी इनिंग्स का। आई एम्पायर को क्रॉस किया, स्लो बॉल किया बैकफुट पॉइंट के ऊपर, बहुत अच्छा डाइव लगा के उन्होंने बॉल को फील किया और साकिब इस वक्त बॉल के पीछे भागने ऐसे नाम है। बड़ी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बैट्समैनों के दरमियान और दो रन का इजाफा होगा। इस वक्त स्कोर बढ़ता हुआ 38 स्कोर हो चुके हुए हैं। बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं शहजाद इस वक्त सैदपुर हंड से और उनका साथ दिया था उन्होंने सलमान ने। अच्छा बॉल बड़ी डिफेंसिव पोजीशन के साथ शॉट पॉइंट की जानेब खेल गया, फील्डर वहां मौजूद थे, उन्होंने बॉल को फील किया, ऐसे में किसी रन का इजाफा नहीं हुआ। शहजाद आए अंपायर को क्रॉस के सामना करेंगे नासिर, स्लो कटर लगाया उन्होंने कवर के ऊपर, फील्डर मौजूद थे साकिब, उन्होंने बॉल को फील किया और इस नामे किसी रन का इजाफा नहीं हुआ। शहजाद जॉइंट सलार के कैप्टन भी हैं, वो बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, बड़ी लाइन लेंथ के साथ बॉलिंग कर रहे हैं। इस वक्त सामना करेंगे नासिर, शहजाद आई एम्पायर को क्रॉस किया, जोरदार शॉट यॉर्क बॉल किया उन्होंने और बड़े अच्छे डिफेंसिव पोजीशन के साथ कवर पे खेल दिया गया, फील्डर वहां साकिब मौजूद थे, उन्होंने बॉल को फील किया और इस सिलसिले में किसी रन का इजाफा नहीं हो सका। 38 रन के मजबूत स्कोर के ऊपर दमयाल थंडर के चार खिलाड़ी आउट हैं और ये सातवें ओवर का खेल इस वक्त जारी है। शहजाद सामना करेंगे नासिर, स्लो कटर लगा दिया गया और जोरदार अपील, ओ माय गुडनेस, बहुत बड़ा रन आउट था दोनों बैट्समैनों के दरमियान, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा राबता मन करता हुआ और बहुत बड़ा रन आउट मिस किया शहजाद ने। अगर सीधी कीपर के हाथ में बॉल फेंक देते तो ये बहुत बड़ा रन आउट होता इस वक्त, आबिद की सूरत में मिल सकता था उनको और ये बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी कीपर की और जो इस बड़े रन आउट को अवेल न कर सके। और इस असना में एक रन का इजाफा हुआ, बड़ा डेंजरस रन था थमियाल थंडर के लिए। खुद भी अगर अंडर आर्म मारते ना तो इजी लग सकता था, उन्होंने बॉलिंग थ्रो एक्शन में मारा है तो डेफिनेटली वो उसका हैज हासिल कर दिया। सर जी थोड़ी कवरेज हो रही, तुम इसे दे आ रहे हो, इस
साके भी इस वक्त बिल्कुल कैमरे की आंख से बिल्कुल सामने है, इस वक्त कैमरे की आंख उनको हर वक्त उनके ऊपर नजर रखे हुए है। सलमान अपना आखिरी ओवर करेंगे शालीमार हैंड से और इनिंग्स का आठवां ओवर होगा। 40 रन हो चुके हैं इस वक्त, सात खिलाड़ी सात ओवर के अहतमाम के ऊपर चार खिलाड़ी आउट चुके हैं। दमयाल थंडर के बड़ा डेंजरस रन आउट था जो बाल बाल बचा। सलमान सामना करेंगे नासिर, अच्छा बॉल थोड़ा सा अंदर की तरफ आया, लेग बिफोर की अपील करना चाहते थे अंपायर, इस अपील के अंदर इंटरेस्टेड नहीं थे और इस तरह अंपायर का इशारा देखना होगा, अंपायर का इशारा लेग बाय का, एक रन का इजाफा इसमें, इस वक्त स्कोर बढ़ता हुआ 41। अच्छा बॉल था जो थोड़ा सा अंदर की तरफ आया, पैड पे लगी और सीधी फाइन लेग के डीप के ऊपर खिलाड़ी मौजूद थे, उन्होंने बॉल को फील्ड किया, इस में एक रन का इजाफा हुआ। जी सलमान अपने चौथे ओवर को कंटिन्यू के सामना करेंगे। आबिद आगे की तरफ था, बॉल स्लो था थोड़ा सा, बड़े अच्छे तरीके से बैक फुट पान की जाने प्लेस कर दिया गया, फील्डर वहां मौजूद थे, इस इसना में एक किसी रन का इजाफा नहीं हुआ। इस वक्त का 41 मौजूद स्कोर है, चार खिलाड़ी के नुकसान के ऊपर आठवें ओवर का खेल जारी है इस वक्त। अब सामना करेंगे सलमान का, आगे की तरफ था, उठा के प्लेस कर दिया गया मिड विकेट के ऊपर, डाइव लगा के साके बॉल को रोकना चाहते थे, डीप मिड विकेट के ऊपर खिलाड़ी मौजूद थे, उन्होंने बॉल को फील्ड किया और बॉल इस सना में दो रन का इजाफा होगा, स्कोर बढ़ता हुआ 43। सलमान आए अंपायर को क्रॉस के, बड़ा सा जोरदार शॉट पॉइंट कट पॉइंट खेल दिया गया, बहुत अंदर प्लेसमेंट की गई जो बैक फुट पॉइंट की जाने, गालबन बहुत अच्छा शॉट था, शॉट ऑफ द डे, बहुत अच्छा प्यारा शॉट खेला गया बैक फुट पॉइंट पॉइंट की जाने, जो कि कोई फील्डर इसको रोकने में कामयाब ना हुआ। इस नाम में चार रन, स्कोर बढ़ता हुआ 47। आई एम्पायर को क्रॉस किया, अच्छा बॉल था, वापस खेल दिया, फील्डर मौजूद थे, बहुत ही अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा किया, टांगों के साथ बॉल को रोका और इस नाम में किसी रन का इजाफा नहीं हुआ। बैकफुट के ऊपर खेल दिया गया, फील्डर मौजूद थे, उन्होंने बॉल को फील्ड किया, इस नाम में दोनों रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत अच्छी रनिंग है नासिर की और जो मौजूद थे आबेद, उन्होंने बहुत अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक रन का और इजाफा किया। इस वक्त स्कोर बढ़ता हुआ 48। आठ ओवर के अख्ताम के ऊपर शहजाद ने भी दो विकेट हासिल किया और सलमान ने भी दो विकेट हासिल करने में कामयाब हुए। अब देखना होगा कि आने वाले स्पिनर्स किस तरह हिम्मत के साथ कितनी दलेरी के साथ बॉलिंग करेंगे। रन 48 है, अब ये मेरा कन्फर्म नहीं है, कन्फर्म आप उधर से करें, 48 है मेरे ख्याल से, 48 अभी कंफर्म नहीं है, पर ये कि पता कल 48 49 47 होगा।
तमाम आने वाले मौजूद दोस्त अब आपको मेरी गुजारिश है, प्लीज़ इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको ईजिली मिल सके। और मेरी तमाम आप जितने भी आने वाले मौजूद दोस्त अहबाब हैं, साकिब को लगाया गया, लेफ्ट हैंड स्पिन करते हैं, फील्डर वहां मौजूद है, बड़ी अच्छी फील्डिंग की और इस हिसाब से सिर्फ एक रन का इजाफा हुआ। जितनी दाद दी जाए कम है, लेफ्ट हैंड फील्डिंग करते हैं और ये एक हाथ से राइट हैंड से ये डिसेबल भी हैं। बड़ी अच्छी माशाल्लाह क्रिकेट का मुजाहरा कर रहे हैं, एक इनको अप्रिशिएट करना होगा कि बड़ी दिलेरी के साथ इस वक्त जवान मर्दी के साथ T20 क्रिकेट खेल रहे हैं। साकिब आए, सामना करेंगे नासिर, बैकवर्ड के ऊपर खेल देगा, फील्डर वहां मौजूद होंगे और इस हिसाब में सिर्फ एक रन का इजाफा होगा। साकिब आए, बैकफुट के ऊपर खेलना चाहते थे, वहां फिर दोबारा वापस फील्डर की तरफ जाने खेल दिया जो शॉर्ट कवर के ऊपर मौजूद थे और इस नाम में किसी रन का इजाफा नहीं हुआ। साकिब बहुत उमदा बॉलिंग कर रही है इस वक्त, वापस बॉलर की जानब खेल दिया गया, लॉन्ग ऑफ की जानब, वहां फील्डर मौजूद है और इस नाम में सिर्फ एक रन का इजाफा होगा। साकिब आए, रिवर्स स्वीप शॉट खेल दिया गया, नासिर ने बहुत अच्छा शॉट है जो के बनता था उनका स्वीप शॉट, वाकई उन्होंने रिवर्स स्वीप शॉट खेला और चार रन हासिल करने में कामयाब हुए। इस वक्त स्कोर बढ़ता हुआ 55 हो चुका हुआ है, 9 ओवर के अख्तिताम के ऊपर अब देखना ये होगा। बॉलिंग को चेंज किया गया, लेफ्ट हैंड स्पिनर को लाया गया है, थोड़ा पीछे की तरफ बॉल पड़ा, बहुत कैजुअली खेले, बहुत पीछे की तरफ बॉल था, बड़ा क्विक ब्रेक हुआ, सीधा कीपर भी इस बॉल को मिस हुआ और इस नाम में किसी रन का इजाफा नहीं। हुज़ैफ़ा को लाया गया जी शालीमार हैंड से, बहुत अच्छा बैकफुट के ऊपर प्लेस कर दिया गया, कवर डीप के ऊपर फील्डर मौजूद थे और इस नाम में सिर्फ एक रन का इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 56। हुज़ैफ़ा सामना करेंगे नासिर और ये वाइड बॉल होगा यकीनी और एक और रन का इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 57 हो चुका हुआ इस वक्त। बैक
बैक फुट के ऊपर नासिर ने प्लेस कर दिया, फील्डर मौजूद थे और उन्होंने बॉल को फील्ड किया और इस इंदा में किसी रन का इजाफा नहीं। इस वक्त 57 के मजमू स्कोर के ऊपर 4 खिलाड़ियों के नुकसान के ऊपर। जोरदार शॉट उठा के खेल दिया मिड विकेट के ऊपर से और अंपायर का इशारा देखना होगा। अंपायर का इशारा, 4 रन, स्कोर बढ़ता हुआ 61 हो चुका। अच्छा शॉट, टांग रख के बॉल को खेला उन्होंने मिड विकेट के ऊपर, डेफिनेटली 4 रन हासिल करने में कामयाब हुए। उज़ैफा 10वां ओवर करेंगे अपनी इनिंग्स का, सामना करेंगे नासिर। पीछे की तरफ पड़ा हुआ बाल उन्होंने खुद ही फील किया और इस समय किसी रन का इजाफा नहीं हुआ। उज़ैफा उठा के मिड विकेट की जाने प्लेस कर दिया, वहां फील्डर मौजूद हैं और इस समय सिर्फ 1 रन का इजाफा होगा। स्कोर बढ़ता हुआ इस वक्त 62 हो चुका हुआ है। वापस बहुत अच्छा रिवर्सिव खेल दिया गया साकिब को इस वक्त, अगेन वही शॉट खेला जो लास्ट ओवर के अंदर खेला था और इस समय 4 रन का इजाफा। बढ़िया अटैकिंग फील्ड ली हुई है इस वक्त जॉइंट सलार के कैप्टन ने, वो बड़ी दिलेरी के साथ नासिर ने बॉल को प्लेस किया और रिवर्सिव खेला और रिवर्सिव खेलने में कामयाब हुई। इस समय 4 रन उनको हासिल हुए। साकिब सामना करेंगे नासिर, जोरदार शॉट खेला, फील्डर ने बहुत अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा किया और सीधी हाथ में थी और इस समय किसी रन का इजाफा नहीं हुआ। साकिब सामना करेंगे नासिर का, आई अंपायर को क्रॉस किया और स्वीप शॉट खेल दिया गया, वहां फील्डर मौजूद नहीं है और इस समय एक और बाउंड्री हासिल करने में नासिर कामयाब हुए। फ्लैटेड बॉल था जिसका भरपूर फायदा उठाया और करने की कर रहे हैं, बस अल्लाह ही बचा रहा है। ये इस वक्त बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं नासिर और अगर ये आखिर ओवर तक जाएंगे तो कहा जा सकता है बड़ा कांटेदार मुकाबला होगा। बड़ा अच्छा सिंगल निकाला उन्होंने लॉन्ग ऑफ की जानिब खेलकर, फील्डर वहां मौजूद हैं और इस इसमें सिर्फ 1 रन का इजाफा होगा। 9 रन हासिल करने में कामयाब हुए 3 बॉलर्स के ऊपर नासिर। साकिब की अब सामना करेंगे आबिद, ओ बहुत अच्छा कैच, एक अच्छी विकेट हासिल करने में आबिद की कामयाब हुए साकिब और इस वक्त 5वां नुकसान उठाना पड़ा आबिद की सूरत में दमयाल थंडर को और एक और विकेट हासिल करने में कामयाब हुए साकिब जिन्होंने 5वीं विकेट दिलवाई जॉइंट सलार्स को और एक अच्छी मुस्तहकम पोजीशन के साथ इस वक्त जॉइंट सलार्स के खिलाड़ी मौजूद हैं और आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। क्यों जी बिलाल भी? बड़ा मुश्किल होता है कवर करना, अल्लाह की कसम टाइम बड़ा शॉर्ट होता है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है। 20 ओवर मुश्किल थी, 20 बहुत मुश्किल थी आजकल, क्योंकि हाँ सुबह 9:30 बजे टीमें आई हो ना, हाँ कम्प्लीट हो जाएगा क्योंकि मतलब पौने दो के करीब स्टार्ट हुआ जाए। ये वो इस पीस में तो वैसे नज़र नहीं आता बंदे को।
बैक फुट पॉइंट के ऊपर खेल दिया गया, फील्डर मौजूद थे। शहजाद बड़े अच्छे तरीके से बॉल को फील्ड किया, जिसमें किसी रन का इजाफा नहीं हुआ और एक अच्छा कीमती विकेट हासिल करने में साकिब कामयाब हुए। साकिब सेकेंड ओवर किया था उन्होंने। अफजाल को दोबारा लाया गया है और देखना ही होगा, रिप्लेसमेंट की गई है सलमान की जानिब से। अब देखना ही होगा क्योंकि इस वक्त टाइम बहुत शॉर्ट है। इस वक्त आप ग्राउंड के मनाजर देख रहे हैं, लाइट थोड़ी सी कम हो रही है। अब ये थोड़ा सा भरपूर फायदा उठाना चाहते हैं बॉलर्स, फास्ट बॉलर, क्योंकि फास्ट बॉलर्स का इस वक्त बॉल नजर आना जरा मुमकिन नहीं होगा बैट्समैन के लिए। अब उसका मुकम्मल तौर पर वो जॉइंट सलार्स के बॉलर्स फायदा उठाना चाहते हैं। शिदाद भी कर लें, कवर कर लें, आपके लिए बेहतर रहेगा। स्पिनर वो ठीक था ना, वो छोटा छोटू ठीक था ना, क्या हुआ है उजाफा? अच्छा मशहूर में बॉडी लगनी बहुत मुश्किल है, बॉडी लगनी बहुत मुश्किल है, बड़ी डप विकेट बड़ी वो है, अनप्रेडिक्टेबल विकेट। और ये तो ठीक है ना, इतना आसान नहीं होगा मारना। अठारह हो गया, बड़ा अच्छा हो गया, मतलब चले मैं जी। इस वक्त नए आने वाले बैट्समैन है, कौन है? ओ नासिर जी विद हेलमेट आए हैं, इस वक्त बिल्कुल पहचाने नहीं जा रहे हैं और सामना करेंगे इस वक्त अफजाल का। अफजाल सामना करेंगे नासिर। ओ बॉल थोड़ा सा ऊपर की तरफ आया, अब बॉल को छोड़ना चाहते थे, बॉल बल्ले के साथ लगती हुई सीधी कीपर के ग्लव्स में और उनकी बॉडी को बॉल लगा और बड़ा जोरदार बॉल लगा, बड़ा और चौका रोकने में कामयाब हुए। स्लो डिलीवरी, स्लो बाउंसर किया जो मुकम्मल तौर पर नासिर बीट हुए और किस तस्ना में किसी रन का इजाफा नहीं हुआ। बहुत पीछे बॉल कर रहे हैं भाई, बहुत पीछे बॉल कर रहे हैं। बड़ा कांटेदार मुकाबला इस वक्त दबियाल थंडर और जॉइंट सलार के दरमियान हो रहा है। मैं आपको बताता चलूं, जॉइंट सलार के कैप्टन शहजाद ने टॉस जीत कर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। मुकर्रर 18 ओवर्स के अंदर 6 खिलाड़ियों के नुकसान के ऊपर 129 रन बनाए उन्होंने और इस वक्त दबियाल थंडर के बैट्समैन है 129 रन को टारगेट को हासिल करने के लिए। स्लो बॉल उठा के खेल दिया गया और कीपर इसके नीचे मौजूद होंगे और इस वक्त बहुत अच्छा साकिब ने कैच किया और एक इंपॉर्टेंट विकेट हासिल करने में कामयाब हुए। अफजाल बहुत अच्छा काम बैक किया अफजाल की जानिब से, जैसे कि अफजाल उनको कह रहे थे कि मुझे बॉल दिया जाए तो मैं एक अच्छा विकेट निकालने में कामयाब हो जाऊंगा। और डेफिनेटली कैप्टन शहजाद ने यूटिलाइज किया अफजाल को और एक अच्छी विकेट लेने में कामयाब हुए। इस वक्त डेंजरस मैन जमशेद गोली इस वक्त क्रीज के ऊपर मौजूद है, अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता। दमयाल थंडर की बॉलिंग, दमयाल थंडर की बैटिंग, अगर जमशेद क्लिक करते हैं तो ये डेफिनेटली जॉइंट सलार के लिए बड़े डेंजर साबित हो सकते हैं। जमशेद ए इंपॉर्टेंट विकेट है थोड़ी, ये लव जो तो कम थोड़ा से दो जो प्राइम स्पोर्ट्स हां फेसबुक और YouTube पे तुम लोग यार शेयर भी नहीं करते हो, कसम खुदा जी तो दो इंटर पुनिया सुबह वाला मैच असली देखेंगे तो जिस बार से तुम नहीं शेयर किया ना सुन लेकिन सिर्फ वो मैंने एक बंदे ने शेयर किया तो फिर मैं आपने बाकी शेयर करता रहा हूं। चलो ऐसे करो और यकीन बार जो बैठे होते ना उसे मेरा ये होता ना कि ज्यादातर लोग तक आएंगे ना उसे थोड़ा भी प्रमोशन होती है यार कि जॉइंट सलार खेल रही है, दमयाल खेल रही है, लोग सारे खेल रहे हैं जी। इस वक्त डेंजरस मैन इस वक्त क्रीज के ऊपर मौजूद है जमशेद, अगर वो आखिरी ओवर तक आखिरी बॉल तक खेलते हैं तो ये कहा जा सकता है कि ये मैच का पासा पलट सकते हैं। अफजाल सामना करेंगे जमशेद का और मुताद तरीके के साथ शॉट कवर के ऊपर खेल दिया गया, फील्डर मौजूद थे साकिब, उन्होंने बॉल को फील्ड किया और इस दौरान एक रन का इजाफा हुआ। जमशेद फवाद सामना करेंगे अफजाल का और अच्छी पोजीशन के साथ इस वक्त मैच दाखिल होते हुए
अफजाद सामना करेंगे फवाद का। स्लो बॉल डिलीवरी कर दी उन्होंने लॉन्ग ऑन की जाने, बॉल को प्लेस कर दिया गया, फील्डर वहां मौजूद होंगे। अब देख रहे होंगे दो रन की काल है जमशेद की और वापस उनको अपनी क्रीज के ऊपर जाना पड़ा और इस में सिर्फ एक रन का इजाफा हुआ। फुल टॉस बॉल, स्लो फुल टॉस बॉल कर दी, जमशेद ने बल्ले को घुमाया और इस वक्त ऊपर से खिलाड़ी और लॉन्ग ऑफ और कवर के दरमियान से बॉल को खेल दिया गया चार रन के लिए। बहुत स्लो था थोड़ा सा, अफजाल ने मुकम्मल तौर पर फील्डर को बैक पे नहीं लिया हुआ था, अगर वो लॉन्ग पे फील्ड लेते तो ये कहा जा सकता था ये सिर्फ सिंगल बनता। जी जनाब, अपने नाज़रीन को मैं बताता चलूँ, ये मैच आपको मरगज़ार क्रिकेट ग्राउंड से लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है प्राइम स्पोर्ट्स के ऊपर। जायंट सिलहट वर्सेस दमयाल थंडर का ये स्पार्टन प्रीमियर लीग सीजन वन का ये आठवां मैच लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। दमयाल थंडर इस वक्त चेस कर रही है 129 रन और उनके इस वक्त 5 खिलाड़ी आउट हैं। अब ये कहना मुश्किल होगा कि इस वक्त मैच किस करवट रहेगा। फवाद सामना करेंगे साकिब का, साकिब लेफ्ट हैंड बॉलिंग करती हैं और लेफ्ट हैंड ही बैटिंग करते हैं फवाद। वापस अंदर की तरफ बॉल आया, खुद ही साकिब ने अच्छे तरीके बहुत अच्छी फील्डिंग का किया, बट उन्होंने बॉल को कलेक्ट नहीं करते, बॉल को कलेक्ट कर लेते तो डेफिनेटली ये रन बचने से बच सकता था। साकिब आगे की तरफ बड़ा बॉल बना, उनको उठा के शॉट मिड की जानिब खेल दिया गया, फील्डर मौजूद थे और इस नाम में किसी रन का इजाफा नहीं हुआ। बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं इस वक्त असद अली कादमी, अपडेट है जी इस वक्त मैं आपको स्कोर की बताता हूं। उठा के खेल दिया लॉन्ग ऑन की जाने, बहुत लंबा छक्का लगाया उन्होंने, डेफिनेटली ग्राउंड से बाहर फेंक दिया। बहुत अच्छा डेंजरस मैन इस वक्त क्रीज के ऊपर मौजूद है जमशेद। जी मैं थोड़ी देर तक आपको अपडेट करता हूं स्कोर और थैंक यू वेरी मच जी। असद अली काजमी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, ये रियल शाइन के खिलाड़ी हैं और मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं और आप तमाम लोगों का जो इस वक्त पेज के ऊपर मौजूद है। मैं इंशाल्लाह आपको साथ साथ जो है वो स्कोर भी अपडेट करता रहूँगा। अनफॉर्चुनेटली ये बॉल ओवर हो जाए तो मैं इंशाल्लाह आपको विकेट स्कोर और कितना स्कोर चाहिए। जोरदार शॉट कवर पे खेल दिया गया, बहुत अच्छी फील्डिंग उज़ैफा की, उन्होंने डाइव लगा के बॉल को फील्ड किया और सिर्फ एक रन बना, उन्होंने डेफिनेटली 3 रन सेव किए हैं। बड़ा जोरदार शॉट था जमशेद का, और अंदर की तरफ बॉल आया और उन्होंने और इस समय 2 रन की काल होगी। अब देखना ये होगा कि दोनों बैट्समैन 2 रन देने में कामयाब होते हैं। बहुत अच्छी फील्डिंग उज़ैफा की जाने से और उन्होंने बॉल पकड़ते ही थ्रो किया और सिर्फ 1 रन का इजाफा। उज़ैफा का सामना करेंगे, बहुत तेज क्विक स्टंपिंग की कीपर की जानिब से और जबकि जमशेद क्रीज के ऊपर मौजूद थे और इस नाम में अंपायर ने नॉट आउट कर दिया। कितना हो गया, पांच
पांच ओवर में 41 स्कोर रह गया है, 30 बॉलों पे 41 रन हैं, स्कोर इतने ज्यादा नहीं है। अगर दोनों बैट्समैन क्रीज के ऊपर मौजूद होते हैं, स्पेशली जमशेद, तो ये कहा जा सकता है कि ये मैच दमयाल थंडर विन कर सकती है। अब देखना ये होगा कि अफजाल अगर जमशेद की विकेट हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं तो डेफिनेटली जॉइंट सलार ये मैच विन करने में कामयाब हो सकती है। ये आने वाला वक्त ही बताएगा। जी अफजाल अपने सेकंड ओवर को कांटी रखे के सामना करेंगे फवाद। आई अंपायर को क्रॉस किया, स्लो बॉल खेल दिया गया, थोड़ा सा वाइडिश बॉल था और ये गलबन वाइड भी बॉल हो सकती थी अगर ये प्लेस कर दिया गया। अगर ये प्लेस होता तो चार भी हो सकते थे, वाइड बॉल का रन हासिल कर सकते थे और उन्होंने बल्ले के साथ उस बॉल को खेल दिया, सामने किसी रन का इजाफा नहीं हुआ। इस वक्त 29 बॉलों पर 41 स्कोर चाहिए इस वक्त। फवाद सामना करेंगे अफजाल का। अफजाल आई अंपायर को क्रॉस किया, थोड़ा सा मिडल लेफ्ट स्टंप की तरफ जाने बॉल था और खेलना चाहते थे, अंपायर का इशारा वाइड बॉल और एक रन बढ़ता हुआ। इस वक्त 29 बॉलों पे 40 रन चाहिए दमयाल थंडर को मैच जीतने के लिए। इस वक्त एक्सपेरिमेंट, किसी किस्म का एक्सपेरिमेंट करने में इस वक्त आसान नहीं हो तो कहा जा सकता है ये मैच वो हाथ से लेके जाएगी। आई अंपायर को क्रॉस किया, फवाद सामने के जोरदार शॉट खेलना चाहते, कट शॉट खेलना चाहते थे, वंस अगेन वाइड बॉल का इशारा अंपायर का और डेफिनेटली ये बड़ी पुअर बॉलिंग की जा रही है अफजाल की जानिब से, क्योंकि इस वक्त बड़े एक एक रन बड़ा कीमती होगा कि उनको एक एक रन बचाना होगा ताकि अपनी टीम के लिए वो एक कामयाबी समेट सकें। और अच्छा बॉल किया था लास्ट ओवर्स के अंदर। अब सामना करेंगे फवाद, अफजाल है बॉलर। आए अफजाल आए, अंपायर को क्रॉस किया, बहुत अच्छा बॉल किया, आए बल्ले का बैनूरी किनारा लेते हुए थर्ड मैन के ऊपर और इस रन में सिर्फ एक रन का इजाफा होगा। इस वक्त नौमान सत्ती ने हमारे साथ मौजूद किया, उन्होंने कमर्स किया है, मैं उनको अपने पेज के ऊपर वेलकम करता हूं। जी अफजाल आई अंपायर को क्रॉस किया, बड़ा अच्छा यॉर्क बॉल था जिसको मुकम्मल तौर पर जमशेद बीट हुए और सीधा कीपर के ग्लव्स में। इस वक्त इनको 27 बॉल के ऊपर जो है वो 38-39 रन चाहिए और अब देखना ये होगा, 5 विकेट इनकी अभी बाकी हैं। जाए अफजाल एम्पायर को क्रॉस, हो जोरदार, ओ माय गुडनेस, बड़े जोरदार घुटने पे आवाज लगी और ये 2 रन लेना चाहते हैं, फील्डर मौजूद हैं और इस नाम 2 रन लेने में कामयाब हुए। और इस वक्त कीपर्स का देखना होगा कि उनके घुटने पे बड़ा जोरदार बॉल लगा है जो कि इस वक्त मुकम्मल तौर पर इस वक्त टेंस पोजीशन के साथ लेटे हुए हैं और ये आप देख रहे हैं ये मनाजिर, बड़ा जोरदार शॉट लगा है घुटने के ऊपर, बॉल लगा है। ओहो मैं अपने मोबाइल दो पास करके दर्शक से चेक करी जा रहे हो, आज भी कार्टन आज 4-5 बड़ी सख्त पड़ा। जब इस किस्म का बॉल लगता है किसी भी फील्डर को, बैट्समैन को, बॉलर्स को, तो डेफिनेटली उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि बड़ा डेंजरस बॉल होता है हड्डी के ऊपर जब लगता है ये बॉल। जी अफजाल आई अंपायर को क्रॉस किया, जमशेद गुल सामना करेंगे, बहुत अच्छा यॉर्क बॉल किया था, स्केयर लेग की जानिब खेल दिया गया, फील्डर वहां मौजूद हैं और ये 2 रन देना चाहते हैं और इस
असना में सिर्फ एक रन बनेगा और बहुत अच्छी थ्रो की जो सीधी स्टंप्स को लगी और एक रन लेने में कामयाब हुए। जी अफजाल एम्पायर को क्रॉस किया और बहुत अच्छा शॉट डिफेंसिव पोजीशन के ऊपर है, कवर के ऊपर खेल दिया गया, फील्डर मौजूद थे और इस सिस्टम में किसी रन का इजाफा नहीं हुआ। हाँ एम्पायर को क्रॉस किया, बैक फुट के ऊपर खेलना चाहते थे, फील्डर वहां मौजूद हैं साकेब, उन्होंने बॉल को फील्ड किया, सिंधा में किसी रन का इजाफा नहीं हो। बिल्कुल इस वक्त 24 बॉल पे 34 रन सरकार हैं, दमयाल थंडर को मैच जीतने के लिए इतना मुश्किल नहीं है, अगर वो जमशेद विकेट पे स्टे करेंगे तो डेफिनेटली ये मैच आसानी से जीत सकते हैं। टक दी बात बिल्कुल इस वक्त 24 बॉलों पे 34 रन सरकार हैं इस वक्त और बड़ी अच्छी पोजीशन के साथ इस वक्त दोनों टीमें बड़ी कांटेदार मुकाबला कर रही हैं, जाहिर सलार्ज और दमयाल थंडर के दरमियान इस वक्त है और इस वक्त बॉलिंग एंड पे मौजूद हैं कीपर बॉलर कौन है साकिब, अपना तीसरा ओवर कंटिन्यू रखेंगे और सामना करेंगे जमशेदी। जमशेद सामना करेंगे साकिब का, जोरदार शॉट उठा के एक्स्ट्रा कवर के ऊपर खेल दिया गया, फील्डर मौजूद नहीं है, बहुत अच्छे 4 रन हासिल किए जमशेद ने, बहुत एक्सीलेंट शॉट, कवर ड्राइव किया उन्होंने और अगर जमशेद विकेट के ऊपर मौजूद होंगे तो डेफिनेटली ये कहा जाएगा कि दमयाल थंडर ये मैच आसानी से विन कर सकती है, बड़ा इंपॉर्टेंट विकेट है जमशेद का, डेंजरस मैन है इस वक्त वो, दोनों टीमों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। साकिब आयम उठा के बैकफुट के ऊपर खेल दिया गया, शॉर्ट टर्न मैन के ऊपर फील्डर मौजूद थे, उन्होंने बॉल को फील्ड किया और इस नाम में सिर्फ एक रन का इजाफा। बाईस बॉलों पे 29 रन दरकार हैं, फवाद का सामना करेंगे साकिब, साकिब आए अंपायर को क्रॉस किया, थोड़ा सा पीछे की तरफ बॉल था और बीट हुए और अंपायर का इशारा वाइड बॉल, अंपायर उस्मान आकिब का इशारा वाइड बॉल, इस नाम में 2 रन का इजाफा होगा और इस वक्त बड़ी अच्छी पोजीशन के साथ दमयाल थंडर के बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं स्पेशली जमशेद और ये 2 रन होंगे और एक्सट्रास में ये दोनों रन जाएंगे, 7 रन बन चुके हैं सवर के अंदर। आगे की तरफ उठा के बॉल खेल दिया गया, बहुत लंबा छक्का और डेफिनेटली बहुत लंबा छक्का उन्होंने खेला है और 6 रन हासिल करने में कामयाब हुए, इस वक्त 4 बॉलों के ऊपर 12 रन लेने में कामयाब हो चुके हैं, 13 रन लेने में कामयाब हो चुके हैं इस वक्त बैट्समैन और कम बैक किया इस वक्त दमयाल थंडर के बैट्समैन ने जमशेद ने और शायद गालबन यही विक्ट्री देने में कामयाब हो सकते हैं दमयाल थंडर को। साकिब सामना करेंगे जमशेद का, थोड़ा पीछे की तरफ बॉल पड़ा और उन्होंने उठा के मिड विकेट की जानिब खेल दिया गया, फील्डर मौजूद थे और इस ओवर में किसी रन का इजाफा नहीं हुआ, इस ओवर के अंदर अभी तक 13 रन बन चुके हुए हैं। कदमों का इस्तेमाल किया और ओ माय गुडनेस बहुत बड़ा आउट कर दिया साकिब, बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट हासिल करने में कामयाब हुए दमयाल थंडर के जमशेद की, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि बड़े डेंजरस मैन है और ये साबित हो सकते थे डेंजरस जायंट सलार्स के लिए और
इस खतरनाक मौके के ऊपर बड़ी क्रूशियल पोजीशन के साथ जमशेद की विकेट हासिल करने में कामयाब हो गए। अब आने वाले बैट्समैन को बड़ी जिम्मेदारी के साथ खेलना होगा और इस मैच को विन करना होगा। बड़ा अच्छा बॉल किया साकिब का, वही ना इनसाइड है जो है कदमों का इस्तेमाल करके खेलना चाहते थे, इनसाइड है जो सीधी स्टंप्स लगी और इस नामे और उनको वापस पवेलियन जाना पड़ा। बहुत अच्छा विकेट हासिल किया साकिब ने जमशेद की सूरत में। अब देखना यह होगा साजिद आने वाले नए बैट्समैन है, बड़ी भारी जिम्मेदारी उनके कदमों पे होगी कि वो अपनी टीम को किस तरह जीत से हम किनार किनाते हैं। साकिब का सामना करेंगे, साकिब अपना लास्ट बॉल करेंगे, बहुत बाहर बॉल था जिसको मुकम्मल तौर पर कीपर ने कैप किया। कैप करने के बाद और अंपायर का इशारा वाइड बॉल, एक रन मजीद इजाफा होगा। इस तरह इस ओवर में 14 रन हासिल कर लिए हुए हैं दमयंती थंडर के बैट्समैनों ने। साकिब का सामना करेंगे साजिद, आगे की तरफ बड़ा बॉल था, डिफेंसिव पोजीशन के साथ खेल दिया गया, फील्डर मौजूद थे वहां शहजाद, उन्होंने बॉल को फील्ड किया। इस इतना में किसी रन का इजाफा नहीं हुआ। इस ओवर में 14 रन पड़े हैं इनको और 20 रन चाहिए होंगे 18 बॉलों के ऊपर दमयंती थंडर के बैट्समैनों को। नॉट बैड, नॉट इजी होगा दोनों बैट्समैन के लिए, अगर वो 18 बॉल्स मुकम्मल तौर पर खेलते हैं दोनों बैट्समैन तो ये कहा जा सकता है कि इस वक्त दमयंती थंडर इस मैच को हासिल करने की पोजीशन के ऊपर है। अगर यहाँ जायंट सराज के बॉलर्स विकेट लेने में कामयाब हो जाते हैं तो ये कहा जा सकता है कि ये विक्ट्री जायंट सराज के नाम होगी। अब देखना ही होगा आने वाला वक्त क्या साबित करेगा, क्या बताएगा। इस वक्त फवाद और साजिद सामना करेंगे बॉलर्स अफजाल का। ये थैंक यू वेरी मच तमाम अजीज दोस्तों अहबाब को, मैं अपने पेज के ऊपर वेलकम करता हूं और आने वाले तमाम अजीज दोस्तों अहबाब को खुश आमदीद कहता हूं अपने पेज के ऊपर। जी इस वक्त बड़ा कांटेदार मुकाबला हो रहा है जायंट सराज और दमयंती थंडर के दरमियान, फवाद सामना करेंगे अफजाल का। 18 बॉलों पर 20 रन चाहिए। अफजाल आए, अंपायर को क्रॉस किया, फुल टॉस बॉल उठा के खेल दिया गया, लॉन्ग मिड ऑफ की जाने फील्डर मौजूद थे और इस नाम में बहुत अच्छा सिंगल रन किया। बिटवीन रनिंग बिटवीन विकेट बहुत अच्छी थी दोनों बैट्समैनों के दरमियान, फवाद और सज्जाद के दरमियान एक रन लेने में कामयाब हुए। 17 बॉलों के ऊपर 19 रन दरकार हैं इस वक्त दमयंती थंडर को, उनके पास 5 विकेट अभी बाकी हैं। जी अफजाल सामना करेंगे सज्जाद, शहजाद थोड़ा पीछे की तरफ बॉल था, कट खेलना चाहते थे, बॉल बीट हुए सीधे कीपर के ग्लव में, इस इतना में किसी रन का इजाफा नहीं हुआ। बड़ी अच्छी लाइन रन के साथ बॉलिंग करनी होगी। साजिद खेलना चाहते थे कट शॉट, अगर कट खेलने में कामयाब होते तो इस वक्त पॉइंट के ऊपर फील्डर मौजूद हैं, बैकवर्ड पॉइंट गली की जानिब से बड़े अच्छा कट खेल सकते थे, अगर वो खेलने में कामयाब होते यकीनी ये 4 रन हासिल कर सकते थे। साजिद सामना करेंगे अफजाल का, अफजाल रन अप लिया, अंपायर को क्रॉस किया, आगे की तरफ पड़ा हुआ बॉल था, बड़ी अच्छी पोजीशन के साथ खेल गया, फील्डर मौजूद थे साकिब, उन्होंने बॉल को मिसफील्ड किया और इस नामे सिर्फ 1 रन का इजाफा होगा। तीन बॉल हुए ना, बॉलों के ऊपर 18 रन इस वक्त दरकार हैं दमयंती थंडर को। एक अच्छी बाउंड्री किसी वक्त भी अगर लगाने में बैट्समैन कामयाब हो सकते हैं तो ये कहा जा सकता है कि दमयंती थंडर इस मैच को इजीली विन करेगी। अब देखना ही होगा कि किस बॉल के ऊपर फवाद या साजिद जो है वो बाउंड्री लगाने में कामयाब होते हैं। और इस वक्त बॉलिंग के लिए मौजूद है अफजाल, अफजाल सामना करेंगे फवाद, फुल टॉस बॉल थी और बीट हुए और इस वक्त बहुत अच्छा बॉल था अफजाल की जानिब से, फुल लेंथ बॉल था जिसको मुकम्मल तौर पर मिस जज किया फवाद ने। अगर ये वाइड के साथ खेलते तो डेफिनेटली फील्डर्स ऊपर थे तो कवर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से ये 4 रन हासिल कर सकते थे। बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया फवाद ने, अफजाल सॉरी अंपायर को क्रॉस किया,
जोरदार शॉट खेल दिया गया मिड ऑन की जानिब, ओ मिसल्ड किया, उज़ैफा ने मॉल को मिसल्ड किया, इसमें चार रन हासिल करने में कामयाब हुए और बहुत मेहनत कर रहे थे अफजाल, बहुत आगे की तरफ बॉल था, जोरदार शॉट खेला, डेफिनेटली इस अगर इसको फील्डिंग करते तो डेफिनेटली एक ही रन बनता था और तीन रन वो सेव कर सकते थे, उन्होंने फील्डिंग को मिस किया और इस तरह में चार रन हासिल करने में कामयाब हुए फवाद। बिल्कुल इस वक्त फील्डर्स को बॉलर्स का साथ देना होगा मैच विन करने के लिए क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट एक एक रन बड़ा इंपॉर्टेंट है इस वक्त दोनों टीमों के लिए जो इस वक्त ग्राउंड के अंदर मौजूद है। बड़ी दोनों तरफ से बड़ी कांटेदार मुकाबला खेला जा रहा है इस वक्त बैट्समैन की तरफ से बॉलर की तरफ से भी। बिल्कुल फवाद सामना करेंगे अफजाल का, बड़ी क्रिकेट पोजीशन के साथ इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं। आई एम्पायर को क्रॉस किया, फुल टॉस बॉल है, फ्लिक कर दिया गया, डीप स्क्वायर लेग के ऊपर फील्डर मौजूद हैं, उन्होंने बाद वो मिसफील्डिंग की और सलमान ने मिसफील्डिंग किया, इस तस्ना में दो रन लेने में कामयाब हुए, तीन रन लेना चाहते हैं अब देखना ये होगा और दो रन लेने में कामयाब हुए। बारह बॉल्स पे बारह नजर का रहे हैं और अभी तक चार पांच खिलाड़ी इनके रहते हैं, बड़ी अच्छी कम बैक किया इस वक्त धमियाज थंडर के बैट्समैन ने, अब देखना ये होगा कि कितना अच्छा फिनिश करेंगे दोनों बैट्समैन। साजिद का सामना करेंगे इस वक्त कीपर, क्या नाम है इनका जी, इस वक्त जॉइंट सरार की तरफ से कैसर को बॉलिंग दी गई है, लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग करेंगे, सामना करेंगे साजिद। कैसर सामना करेंगे साजिद का, फुल टॉस बॉल उठा के खेल दिया गया, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर उठा के खेल दिया गया, गालिबन छह रन होंगे, बहुत अच्छा टाइम किया बाद साजिद ने और एक अच्छी बाउंड्री लेने में कामयाब हुए और इस वक्त इनको 11 बॉलों के ऊपर 6 रन दरकार होंगे दमयाल थंडर को मैच विन करने के लिए। एक अच्छा मैच जो जॉइंट सेलर और दमयाल थंडर के दरमियान खेला गया, बॉल टू बॉल मैच खेला गया। कैसर सामना करेंगे साजिद का, ओ दो बॉल में दो छक्के लगाकर मैच का इख्तिताम पज़ीर कर दिया इस वक्त और इस वक्त अब देखना ही होगा, मेरे ख्याल से मैच विन कर लिया दमयाल थंडर ने, बहुत अच्छा कांटेदार मुकाबला था जॉइंट सेलर्स वर्सेस दमयाल थंडर का। ये हम आपको प्राइम स्पोर्ट्स टीवी के ऊपर लाइव मनाजर दिखा रहे हैं, बड़ी अच्छी बैटिंग की दमयाल थंडर के बॉल बैट्समैन ने और बड़ी अच्छी बॉलिंग की जॉइंट सेलर्स के फील्डर ने बॉलर ने और अनफॉर्चुनेटली वो जॉइंट सेलर्स के बॉलर्स इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर पाए और दमयाल थंडर की बैट्समैन ने जमशेद कोहली ने आकर आखिर में बहुत अच्छी हिटिंग की जिसमें एक मैच को बहुत क्लोज किया और लास्ट में दो बॉल में दो छक्के साजिद खान ने लगाकर अपनी टीम के लिए बिल्कुल इस वक्त ये हैंडशेक किया जा रहा है आफ्टर मैच विनिंग और ये आप देख रहे हैं इस वक्त ये लाइव मनाजर आपको हम टेलीकास्ट कर रहे हैं, ये आप बिल्कुल देख रहे हैं दोनों टीमों के द्वारा हैंडशेकिंग हो रही है आफ्टर विनिंग द मैच दमयाल थंडर।